ये है महिंद्रा की 5-डोर वाली थार जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये टेस्टिंग वाली गाड़ियों को ऐसे रैप करके क्यों ले जाया जाता है। देखिए, इस रैप को कैमोफ्लेज रैप कहा जाता है और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उनकी गाड़ी लॉन्च डेट से पहले पब्लिक में रिवील हो जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैमोफ्लेज लगाने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। देखिए, कैमोफ्लेज के ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे गाड़ी के कर्व्स और लाइंस वाली डिजाइन को छिपा दिया जाता है। ऐसे 2016 में फोर्ड ने अपनी गाड़ी पर ब्रिक कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया था जो कैमरा के ऑटो फोकस को भी कंफ्यूज कर देता है। एक और फायदा इसका ये भी है कि जब भी कोई प्री प्रोडक्शन कार कैमोफ्लेज में रोड पर नजर आती है तो लोग उसकी फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं जिससे कंपनी की मार्केटिंग भी फ्री में हो जाती है।